नमस्ते, हम निम्स डेंटल हॉस्पिटल बीडीएस इंटर्न के छात्र आज एड्स डे के अवसर पर कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं। एड्स आधुनिक युग का बहुत ही जानलेवा और भयंकर बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स रोगी की रोग प्रतिकार क्षमता को खत्म कर देता है। एड्स पीड़ित व्यक्ति के शरीर में सर्दी, खांसी, टीबी इत्यादि बीमारियां भी आसानी से हो जाती है और इनसे इनका इलाज करना भी बहुत कठिन हो जाता है। इन्हीं सबसे उभारने के लिए आज मेरे साथी लोग एक स्किट प्रस्तुत करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हो तो हम आपको बताएंगे एड्स के कुछ प्रमुख कारणों के बारे में। एड्स का पहला प्रमुख कारण है ये। दोस्तों, असुरक्षित यौन संबंध एक प्रचलित तरीका है जिसके अंदर एचआईवी का वायरस आपकी रगों में घुसता ही जा रहा है। अभी आपने पहला प्रमुख कारण देखा, दूसरा प्रमुख कारण है ये। और भाई, क्या हाल चाल है? बस भाई बढ़िया, तू बता क्या हाल चाल है? मार्केट में नया नया नशा आया है, चले क्या? चलो। दोस्तों, सुई लगाते वक्त सावधानी रखें। जब भी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं तो एक नई सिरिंज की मांग रखें। अब देखिए एड्स का तीसरा प्रमुख कारण। हे भगवान, आज आपने हमारी सारी मुराद पूरी कर दी। हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। चलो डॉक्टर, मैंने रिपोर्ट के लिए बुलाया है। डॉक्टर साहब, आपने हमें रिपोर्ट के लिए बुलाया था। हाँ, आपकी रिपोर्ट्स आ गई है, एक मिनट। अरे, आपको तो एड्स है और ये आपके बच्चे को भी हो सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये सारे टेस्ट पक्के और ये आपके बच्चे को भी हो सकता है। हे भगवान, ये क्या किया, आपको पता था ना आपको एड्स है? हे भगवान, दोस्तों एड्स जैसी भयानक बीमारी को अपने परिवार वालों से ना छुपाए, इसे जानने का सबको अधिकार है। ये बीमारी आपकी पत्नी से आपके बच्चों में भी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा एड्स होने का तीन प्रमुख कारण, चौथा प्रमुख कारण है ये। आप आ जाएगा। दोस्तों याद रहे, जब कभी भी आप शेविंग या कटिंग कराने जाए तो नई से नई ब्लेड की मांग करें। अब हम आपको बताएंगे एड्स के बारे में छोटी छोटी पर मोटी मोटी कुछ बातें। दोस्तों, गले लगाने से एड्स नहीं फैलता है। और बहन कैसी है? बढ़िया। दोस्तों, हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। दोस्तों, खांसने से एड्स नहीं फैलता है। एक थाली में खाना खाने से एड्स नहीं फैलता है। दोस्तों, दोस्ताना करने से भी एड्स नहीं फैलता है।
दोस्तों, यदि आपको या आपके जानने वालों को एड्स की बीमारी है तो तुरंत ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य सेवा केंद्र में जाएं, जांच या चेकअप कराएं। दोस्तों, एड्स का वायरस हमारे शरीर में 10 साल तक उपजाऊ रहता है। इसकी जांच हम नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में करवा सकते हैं। तो आओ, इस विश्व एड्स दिवस पे हम भारत को एड्स से मुक्त करवाएं। सही समय पर करे विरोध, एचआईवी का करे विरोध। सही और पूरी जानकारी, सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।